हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और आज मैं आप लोग के सामने बताने जा रही हूँ बहुत सारे क्लीनर्स, होममेड क्लीनर, जिसकी सहायता से आप अपने घर के बहुत सारे काम को आसानी से कर सकते हैं। आज मैं चार तरीके के बता रही हूँ। इसके पहले भी मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे होममेड क्लीनर बताया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैं बताने जा रही हूँ वो है हमारा पेस्टिसाइड्स क्लीनर, यानी कि फलों और सब्जियों से पेस्टिसाइड्स को हम कैसे घरेलू नुस्खे के जरिए हटा सकते हैं, तो उसी के लिए आज मैं ये होममेड सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो उसके लिए लिया है मैंने हाफ कप ल्यूकोम वाटर, यानी कि हल्का गुनगुना पानी मैंने किया था, और उसको आप ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लेना है ये वाइट विनेगर, जो कि चाइनीज़ फूड में अक्सर यूज़ किया जाता है खाने पीने की चीज़ों में डालने में, तो वो लेना है हमें 1/4 कप। तो दोस्तों, अगर क्वांटिटी आपको ज़्यादा बनाना है तो रेशियो को आप ऐसे ही बढ़ा दीजिए। तो 1/4 कप हम लेंगे वाइट विनेगर, और उसके बाद उसमें हम डालेंगे हमारा जो है तीसरा जो एक और आइटम है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दोस्तों अक्सर हम खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि खस्ता कचौड़ी वगैरह बनाने में, उसको हम क्रिस्पी बनाने में यूज़ करते हैं। तो सेम बेकिंग सोडा लेना है हमें लगभग 2 चम्मच। आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें कितने ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं। तो यही हमें वाइट बेकिंग सोडा और ल्यूकोम वाटर, और हमें बनाना है विनेगर का सॉल्यूशन, और इसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल हमें करना है पेस्टिसाइड्स को दूर करने में। तो आप क्या कर सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए, मार्केट में अक्सर इस तरह का स्प्रे बॉटल अवेलेबल होता है, तो वो स्प्रे बॉटल में आपको उसको भर के रखना है, और उसके बाद आपको जब भी ज़रूरत पड़े इस स्प्रे बॉटल में आप भर सकते हैं। तो मैं भी ये ले रही हूँ स्प्रे बॉटल। तो इस तरह से हम इसमें किप की सहायता से सारे सॉल्यूशन को भर देंगे और इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको फलों और सब्जियों से पेस्टिसाइड्स हटाना हो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे पेस्टिसाइड्स हटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको किप की सहायता से डाल लिया है इस तरह के स्प्रे बॉटल में। तो इसको अच्छे से बंद करके और इस तरह का फल और सब्जी आप लीजिए, उस पर स्प्रे कीजिए, और स्प्रे करने के बाद 2-3 मिनट के बाद उसे अच्छे से रब करके हमें ठंडे पानी से धो लेना है। तो सबसे पहले स्प्रे करके 2-3 मिनट छोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा इसके जो भी है वो चला जाएगा अंदर तक, और उसके बाद इसको आप हटा सकते हैं, धो सकते हैं, तो आपके सारे पेस्टिसाइड्स जो है हट जाएंगे। तो दूसरा हमारा है, दूसरे नंबर पे ये हमारा मैं जो बना रही हूँ ये है मिरर क्लीनर, यानी कि ग्लास क्लीनर, यानी कि अगर आपका कांच का ग्लास का अगर विंडो है या फिर टेबल है या फिर मिरर है, कुछ भी है, तो उसको आप इसकी सहायता से आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए लिया है सेम मैंने लिया है रेशो लिया है हाफ कप मैंने पानी लिया है और हाफ कप ही मैंने लिया है वाइट विनेगर, और इसी की सहायता से हम डालेंगे साफ करेंगे अपना मिरर। तो बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना होता है। आप इसमें मैंने जो लिया है हाफ कप पानी, हाफ कप वाइट विनेगर, और 1/3 जो फोर्थ लिया है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन लिया है। तो इन सब को हमें डाल देना है इस वाले बॉटल में, सेम स्प्रे बॉटल ले लें इस तरह का, और सेम उसमें हमें कीप की सहायता से भर करके फिल करके रख लेना है। और कवर लगा करके आप इसको स्टोर करके रखिए, और जहाँ पे भी आपको मिरर या फिर ग्लास कांच का या फिर विंडो वगैरह कांच का अगर वो गंदा दिख रहा है तो उसे स्प्रे कीजिए और फिर पोंछ डालिए सूखे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, तो आपका मिरर जो है बिल्कुल चमचमा जाएगा, चमकता हुआ मिरर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने घर पे इस तरह का होममेड मिरर क्लीनर ग्लास क्लीनर बना सकते हैं, टेबल वगैरह को आराम से साफ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा मिरर क्लीनर। तो हम चलते हैं हमारा तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पे है फ्लोर क्लीनर। फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए इस तरह से एक बॉटल ले और उसमें आपको पानी रख लेना है। तो लगभग भर के एक बॉटल पानी ले लीजिए और इसी में हमें फ्लोर क्लीनर बनाना है दोस्तों। तो इसको आप चाहे तो हल्का गुनगुना करके भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, और उसके बाद इसमें हमें डालना है ये हमारा वाइट विनेगर है,
इसका हमें सॉल्यूशन डाल देना है। वाइट विनेगर का सॉल्यूशन इसके अंदर डालने के बाद इसमें हमें जो डालना है वो हमारा ये है, आप देख सकते हैं ये अक्सर हम क्या करते हैं कपूर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं आरती वगैरह पूजा करने में। तो कपूर हमें घर में क्या करता है, एक स्मेल होती है उसकी जो कि, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे एसेंशियल ऑयल, आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिससे कि खुशबू भी आती है फ्लोर क्लीनर में। और कपूर डालने से क्या होता है कि कीड़े मकोड़े हमेशा घर से बाहर रहते हैं, अगर चींटियाँ वगैरह घर में आती है तो वो बिल्कुल आना भी बंद कर देगी। तो इस तरह से मैं शेयर कर रही हूँ आपको, और इसको ढक्कन लगा के आपको बंद करके रख देना है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस तरह से एक बार हिला लीजिए ऊपर नीचे, कपूर इसमें गलेगा नहीं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसमें से आप एक बाल्टी पानी लीजिए पोछा के लिए, और सेम इस बॉटल का एक ढक्कन निकाल करके एक ढक्कन आप उस बाल्टी में पानी में डाल दीजिए। तो क्या होगा, बाल्टी का पानी जो है सुगंधित रहेगा, कपूर का स्मेल आएगा, और पोछा में चींटी वगैरह जो भी है बिल्कुल भी आपके घर या फ्लोर पे नहीं आएंगे। तो ये जो कपूर इसके अंदर आ गया है इसको आपको निकाल के फिर से बॉटल में डाल देना है, और जो पानी है उसको ही सिर्फ आपको यूज़ करना है। तो एक एक बाल्टी में लगभग जितना भी आप पोछा लगाते हैं उसमें एक या दो ढक्कन आप डाल करके फिर पोछा लगाएं। तो इस तरह से आप इसको स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं और आपके घर में चींटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी दोस्तों। तो ये हो गया हमारा तीसरा जो है वो है फ्लोर क्लीनर। बहुत ही आसान और सिंपल है, होममेड सॉल्यूशन, बहुत ही आसानी से आप अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, खुशबू दे सकते हैं अपने घर में, चींटी कीड़े मकोड़े से बचा जा सकता है। तो चलते हैं हमारे चौथे क्लीनर की ओर। देखिए मैंने एक बड़ा सा बॉल लिया है, मतलब बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का बॉल लिया है, और इसी में हम अपना सॉल्यूशन तैयार करेंगे। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए मैंने लिया है आधा कप पानी, मिश्रण जो है आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज्यादा सेम रेशियो को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है आधा कप पानी, और उसके बाद ये ले रही हूँ विनेगर, व्हाइट विनेगर, जो कि खाने वाली चीज़ों में अक्सर डाला जाता है व्हाइट विनेगर, और अक्सर चाइनीज फूड वगैरह में ये यूज़ किया जाता है। इसी व्हाइट विनेगर को हम लेंगे आधा से भी थोड़ा सा कम, यानी कि 1/4 कप, यानी आधा कप अगर हम पानी लेंगे तो 1/4 कप विनेगर लेंगे, और उसमें हम फिर डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। ये तीनों का मिश्रण बहुत ही अचूक होता है दोस्तों, मिश्रण को हमेशा ऐसी क्वांटिटी में बनाएं, और उसको रेशियो अगर आपको बढ़ाना हो तो फिर सेम क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपना डिशवॉश जेल, यानी कि बर्तन वर्तन धोने का हमारे घर में अक्सर जेल अवेलेबल होता है, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप सुपर मार्केट में जाओगे तो इस तरह का जेल मांगोगे आपको मिल जाएगा। उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और इस तरह की हमें देखिए स्प्रे बॉटल आती है मार्केट में, जिसकी सहायता से आप इसमें कहीं भी स्प्रे करके आप अपने किसी भी घर के कोने कोने की सफाई कर सकते हैं, मतलब ऑल पर्पज क्लीनर है दोस्तों, आप इसको अपने घर के कोनों कोनों की सफाई करने में यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ता है। दिवाली आने का टाइम हो गया दोस्तों, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दीपावली की सफाई करने में इस वीडियो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हर घर में दीपावली की सफाई जोर जोर से धूमधाम से होती है, इस वीडियो को देख करके आप अपने घर की दीपावली की सफाई अभी से आप शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं अगर आपको, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और दोस्तों मेरे फैमिली का मेंबर जरूर बनिएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल का बटन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। इस तरह से मैंने ऑल पर्पज क्लीनर को इस तरह से स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। इन सारे चीज़ें आपको दोस्तों सुपर मार्केट में मिल जाएगी, स्प्रे बॉटल या फिर कॉलिन का खाली बॉटल है, आप इसमें भी इसको डाल करके भर करके कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ, ये सकते हैं इस तरह का वुडन टेबल है, ये लकड़ी का टेबल है जो कि हमारा सेंट्रल टेबल है, अक्सर गंदे हो जाते हैं और बच्चे बच्चे का हाथ लगते खाना खाते हुए भी, या फिर खाना खाने के बाद भी इस पे हाथ वगैरह लगते हैं, देखने बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, तेली कभी तेल भी जाता है या कुछ भी, तो उस पे आप क्लीन कर सकते हो स्प्रे करके। इस तरह देखते काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। उसका दूसरा हमारा ये देखिए मेरा ये डाइनिंग टेबल, सॉरी ड्रेसिंग टेबल, और इस पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी कभी काजल कभी सिंदूर कभी कुछ गिर जाता है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाता है। इसकी भी सहायता इस ऑल पर्पज क्लीनर की सहायता से आप इसको बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं, एकदम तेल चिपचिपाहट वाला भी आपका जो वुडन है वो भी साफ हो जाएगा। तो इस तरह से डालने के बाद स्प्रे करने के बाद सूखे कपड़ों की सहायता से पोंछ दीजिए, या फिर आपके पास सूखे कपड़ा नहीं है तो आप टिश्यू पेपर की सहायता से भी इसको पोंछ सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा।
आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो दाग था वो हट चुका है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है। और उसके तीसरे नंबर पे मैं बता रही हूँ आपको, मिरर वगैरह जो होता है घर में वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, हाथ लग जाते हैं, कभी किसी चीज़ का दाग लग जाता है, तो ये ऑल पर्पज़ क्लीनर की सहायता से आप मिरर की सफाई भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मिरर की सफाई करने के लिए तो बहुत ही अच्छा कॉटन का टॉवल या कपड़ा यूज़ करें, या फिर इसकी जगह आप टिश्यू पेपर से भी पोंछिएगा तो मिरर बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाएगा। कपड़े से कभी पर गंदा रह भी जाता है, लेकिन अगर आप टिश्यू पेपर की सहायता से पोंछोगे तो बहुत ही अच्छे से साफ एकदम नया जैसा मिरर चमचमा हो जाएगा। इस तरह से स्प्रे करने के बाद आप मिरर को भी साफ कर सकते हैं, विंडो अगर आपका मिरर है यानी शीशा वाला है तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। यानी बहुत ही सिंपल है। और जैसे ये मेरा फ्रिज का बाहरी भाग है जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, मेरा बेटा अक्सर इस पर झूला झूलता है, खोल खोल करके जब भी खोलता है तो हमेशा झूला झूलता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देता है, कभी किसी हाथों से छू लेता है, इसका सबसे ज़्यादा बाहरी वाला पार्ट जो होता है अक्सर गंदे हो जाते हैं, तो इसकी सफाई आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से स्प्रे करके सूखे कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ डालिए, और आपका ये जो है फ्रिज भी बहुत ही आसानी से साफ हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों आप अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को साफ कर सकते हैं, जैसे सीलिंग फैन साफ कर सकते हैं, टीवी वगैरह भी साफ कर सकते हैं, माइक्रोवेव साफ कर सकते हैं, होम थिएटर वगैरह है, ये सब चीज़ें आप आसानी से ऑल पर्पज़ फ्लावर से साफ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने बनाया भी है, और ये बहुत ही सस्ता बन जाता है। यानी एक चम्मच बेकिंग सोडा लगा, एक चम्मच हमारा जेल लगा बर्तन वाला, उसके बाद आधा कप मैंने पानी लिया है, 1/3 1/4 मैंने विनेगर लिया है। ये सारे सॉल्यूशन को बना करके आप इसको रख लीजिए इस तरह से स्प्रे बॉटल में, और जब भी आपको जरूरत पड़े इस तरह से आप कर सकते हैं सफाई। तो इस तरह से दोस्तों दीपावली आने वाली है, और आज से ही अभी से ही आप लग जाइए अपने दीपावली की सफाई करने में, और ऑल पर्पज़ क्लीनर आप अपने घर में बनाइए और किसी भी चीज़ों की सफाई आराम से चुटकियों में कर डालिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी आप और मैं एक फैमिली मेम्बर की तरह बनेंगे, और आने वाले वीडियो का आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलती हूँ एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।